गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई टीच यू क्लास वन सब्जेक्ट साइंस। स्टूडेंट आज मैं आपको क्लास वन में साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है वी नीड एयर, लेसन 11। आज हम पढ़ेंगे वी नीड एयर और हम लोगों को हवा की जरूरत क्यों है, इसके सब्जेक्ट विषय में आज हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, फिल इन द मिसिंग लेटर टू गेट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका नाम लिखना है। तो हम सभी जानते हैं कि यह हैंड फैन है, तो इट इज ए हैंड फैन, हाथ से झेलने वाला पंखा। स्टूडेंट, हैव यू एवर प्ले विथ ए पाइन व्हील, इट मूव्स व्हेन यू होल्ड टू अप एंड रन, व्हाट हेल्प्स टू मूव, इट इज एयर दैट हेल्प्स टू मूव। ओके स्टूडेंट, एयर इज ऑल अराउंड अस, सभी जानते हैं कि हवा जो है हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव, हम लोग इसको देखते नहीं हैं बट इसको हम सिर्फ जब घूमते हैं, बैठे रहते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम सिर्फ हवा को फील करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, सभी जीवित प्राणी के लिए हवा की जरूरत है। वी टेक इन एयर थ्रॉट आवर नोज, और हम जो है हवा को लेते हैं क्या चीज, किसकी मदद से, अपने नाक के मदद होल से, नाक से हम हवा को ग्रहण करते हैं। तो आपने पढ़ा एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, वी टेक इन एयर थ्रॉट आवर नोज। ओके स्टूडेंट, तो आपने इसका पढ़ा कि हवा को हम लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ फील करते हैं, और हर जीवित प्राणी के लिए हवा की ज़रूरत है, और जो है हवा को हम नाक से नोज से हवा लेते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हाँ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, व्हेन एयर मूव जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज, और जब आराम से स्लोली स्लोली हवा जब चलती है उस हवा को हम ब्रीज कहते हैं, है ना। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज ए स्टॉर्म्स, और जहाँ काफ़ी तेज हवा चलती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म कैन डैमेज प्लांट ट्री एंड हाउसेज, और जब काफ़ी तेज हवा चलती है तो हम सभी जानते हैं कि वह खतरा का विषय बन जाता है, मकान गिरा देता है, घर को गिरा देता है, है ना। इट कैन ऑल्सो हर्ट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, और यह हम जीवन प्राणी जीवित प्राणी के मानव के लिए भी और जानवर के लिए भी हार्मफुल होता है। फायर स्प्रिट वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड, और इस समय में काफ़ी तेज हवा चलने से आग को भी प्रोत्साहन मिलता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। एयर टेक ऑफ स्पेस, अब हवा जो है स्पेस कैसे जगह को भरता है। टेक ए बैलून एंड ब्लो एयर इन टू इट, वी विल सी दैट द बैलून बिकेम बिगर इन साइज, इट इज बिकॉज एयर फील ऑफ द स्पेस इन दैट द बैलून, और आपको देखना है कि आप एक बैलून को लीजिए और उसमें हवा भरिए तो देखिए उस बैलून का साइज जो है वह बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो जगह था उसमें हमने हवा को भर दिया है तो बैलून का साइज बड़ा हो गया है। यूजेज ऑफ एयर, वी नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। विंड मूव थिंग्स सच एज पिन व्हील एंड विंड मिल, और हवा की जरूरत विंड मिल को चलाने के लिए जरूरी होती है। उसके बाद विंड हेल्प अस टू फ्लाई ए काइट, हवा की मदद से ही हम पतंग उड़ाते हैं। विंड हेल्प अस टू बोट ए सेल, और पानी में जो नाव चलती है वो भी हवा की जरूरत होती है उसमें तैरने के लिए। विंड हेल्प अस टू क्लॉथ टू ड्राई क्विकली, और हवा चलती है तो कपड़ा भी जल्दी सूखता है। वी फील एयर इन टू कार और साइकिल टायर,
और इस तरह से कार में भी, सकार के टायर में और साइकिल के टायर में भी हवा भरी जाती है। अब है फुटबॉल्स एंड स्विमिंग ट्यूब आर फिल विथ एयर, और फुटबॉल में और स्विमिंग ट्यूब में भी हवा भरी जाती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, और हवा की मदद से आग को भी जलाई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आपने इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ा कि हवा की ज़रूरत कहाँ कहाँ है और किन किन कामों में होती है, ये सब आपने पढ़ा। अब मैं इसका जो कुछ वर्क है बुक में उसको मैं कराऊंगी। ओके बच्चों, बाय।